बोलो बोलो। हम शॉपिंग कर रहे हैं, आज हमारा पार्टी है, सबको थोड़ा सा गिफ्ट विफ्ट बांटना है, तो गिफ्ट हैम्पर बना रहे हैं और फिर और सबके लिए तो ले लिया चॉकलेट वाली पैकेट, उनको बॉस के लिए थोड़ा सा खुद बनवा रहे हैं गिफ्ट, स्पेशल हैम्पर बनवाया जा रहा है, बाकी सबके लिए चॉकलेट हैम्पर ले लिया है, हम दिखाते हैं। कस्टमाइज्ड करा के ले लिए, अब चलते हैं चॉकलेट्स लेने, है मम्मी? मज़ा आ गया। कहाँ से लाए सेट, कहाँ से लाए लोग, कहाँ से लाए एक्टिंग करने के लिए लोग? लॉकडाउन बस थोड़ा थोड़ा खोला था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ, होटल भी ठीक से नहीं खोला, तो बहुत मुश्किल हो रहा था, कैसा करे कहाँ पे करे, इसके फ्रेंड भी हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं आने के लिए, कोई बच्चे घर से नहीं निकल रहे हैं, तो स्कूल बंद है यार। इसके पापा और मैंने फिर डिसाइड किया कि इसके पापा के जो वो है कोलीग वगैरह है वो अच्छे हैं बहुत, वो लोग फिर हेल्प इसके एम्प्लॉइज से बिना उनको स्क्रिप्ट एडवांस में दिए ऑन द स्पॉट उनको स्टोरी समझा के, वो भी दो मिनट में स्टोरी पहले डायरेक्ट डायलॉग्स देकर उनसे डायरेक्ट वो बुलवा कर जैसे तैसे तो फिल्म बनाई है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगेगी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भाई कॉलेज को भी अच्छी लगी है, तभी इतने आगे बात पहुंची है, आज पार्टी तक बात पहुंची है। और अगर मूवी नहीं देखी है, नहीं देखी ना, पता है मुझे नहीं देखी, जाओ यहाँ पर है प्लेलिस्ट, देख के आओ, इस प्लेलिस्ट को देख के आओ, चार चार कॉलेज ने अप्रूव किया है भाई। ए भाई एक लाइक करो और एक शेयर कर दो प्लीज, क्योंकि और हम आप मतलब ऐसे करवाए इसलिए और ज्यादा खुशी हुई, एक्टर एक्ट्रेस एक्सपर्ट से करवाने थे इतना नहीं खुशी होती। सुना होगा ना कि स्क्रिप्ट के हिसाब से सब कुछ सेट किया जाता है, तो स्क्रिप्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं यहाँ पे उल्टा हुआ, लोग जगह के हिसाब से स्क्रिप्टे बन रही है, 15 स्क्रिप्ट को मैंने रिजेक्ट किया है, मैंने ही जो बनाई है। मैं पागल हूँ। पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, कोरोना में इतना बुरा हाल हो रहा था, बस थोड़ा सा खुलने अच्छा, लगा था। ये सब बातें छोड़ देते हैं, वीडियो को लंबा करके कोई फायदा नहीं, हम पार्टी में जाते हैं आप वो देखिए, लेकिन उससे पहले जरा मूवी भी देख के आइए, तभी तो आपको समझ आएगा कि ये लोग कौन है। जाइए जाइए देख के आइए, उसके बाद हमारा सेलिब्रेशन देखने में ज्यादा मजा आएगा। जाइए ये दवाइए, देखिए तैयार मॉम्स, टाइम फॉर पार्टी, लेट्स गो, पहले पापा के ऑफिस जाएंगे, सब कुछ ले लिया और अब जाओ, फिर शाम को मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि सब कुछ पता नहीं कैसे होने वाला है, इसलिए जैसे जैसे होगा हम दिखाते रहेंगे। अब हम पहुंच गए हैं ऑफिस फाइनली, अब हम थोड़ा वेट करते हैं, तब तक पापा के बॉस मेरे संदेश अंकल जब फ्री हो जाएंगे तो उनको हम गिफ्ट देने जाएंगे, और मम्मी यहाँ चैटिंग करने में बिजी है। रिसेप्शन नहीं है ये, गेस्ट रूम है। अरे हमारा जो वेट है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और मम्मी बेचारी परेशान हो गई, देखो कैसे बैठी हुई है, नैप ले लेता हूँ।
में पोपट हो रहा है, मतलब यू नो मैं और मम्मी सौरभ जोशी की व्लॉग्स देखते थे, बोलते थे इतने पोपट क्यों होते हैं, तब से जिंदगी में पोपट ही हो रहे हैं, फ्लाइट में हुआ आज दोबारा हुआ, क्या पोपट हुआ मम्मी? हाँ वो जो रिसोर्ट में हमारा बुक किया ना, इनका ऑफिस का ही है कुछ, तो जान पहचान वाला रूम बहुत बड़ा होने वाला था, रूम था उन्होंने बताया नहीं कि वो रूम, एक हफ्ते तक बताया नहीं, आज बता रहे हैं रूम को ना हमने दो टुकड़ों में बांट के होटल रूम बना दिया है, तो अभी जैसे ही हम सबको लेके आए तब भी पता चल रहा है, तो अभी फिर सोचा था कि यहाँ पे ऐसे ओपन में करेंगे खाना पीना थोड़ा सा सब लोग मिलके, लेकिन उसके बाद में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, सोचा था खुला बड़े यहाँ पे खुले में करेंगे, भाई साहब इंद्रदेव ने बोला ना भाई बाहर तो करने का चांस ही नहीं, मैं बारिश टपकाऊंगा, तो बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो अब हम रूम में अब सोच रहे हैं शायद रात को बाहर आएंगे, रात का डिनर बाहर होगा, स्नैक्स अंदर चल रहा है, देखते हैं अभी मौसम ठीक रहा तो अभी सब लोग अभी अंदर भी है, अभी क्योंकि मेकिंग वाली वीडियो तो टीवी में देखनी पड़ेगी, तो सब अभी अंदर देख रहे हैं, देखते हैं रात को अब पार्टी जो मेन शुरू होगी वो होती कैसी पोपट लेकिन पोपट, लेकिन देखो हमारे प्लान पोपट नहीं होते, ये बात है, वो तो है, बाकी लोगों के पोपट होते रहते हैं, बट हम दोनों जो सिर्फ प्लान करते हैं ना एकदम 100%। एकदम बिल गेट्स की तरह आगे बढ़ते हैं, इलॉन मस्क गिफ्ट भी अच्छा पैक करा के सब सही से एक घंटे में खरीद के लिए, कस्टमाइज कराया था संदेश अंकल के लिए, और सबका भी बाकी सबका भी जो अच्छा पैकिंग में मिल गया था बहुत जल्दी। इधर आओ ना थोड़ा सा, इधर इधर तू इधर कर, नहीं ऐसे कर रहा हूं ना, ये देखो पोपट मैनेजर को ले आए, पोपट हो गया पता ही नहीं चला, सारा दिन ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, सोचा यहाँ पे सब कुछ सही हो रहा है, और आके देखा ये, और तो बस तो दिमाग खराब हो गया, फिर चलो फिर भी सब ठीक हो रहा है। लेकिन आप फिर भी कोविड को हरा के एकदम हेल्दी हो, ठीक है ना, ये अच्छा लगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, आप मुझे एक चीज बताओ, कोविड आपको इजी लगा या सर को
डीजी था तुम्हें तो वक्त लाएगा वीर सिंह, आज वक्त तुम्हारा है, सेना तुम्हारी है। लेकिन आपकी जो थिंकिंग है कोविड के बाद वो थोड़ी सी चेंज हुई होगी, क्योंकि जिस हिसाब से सर ने आपकी केयर करी, मतलब नहीं नहीं ऐसा कुछ तुम लोग की फैमिली हो ये याद रखो, हम दोनों के साथ जो होता है तुम लोगों के साथ भी वही होता है, तुम लोग पीछे पीछे जो सोचते हो हम भी सोचते हैं, वही सिचुएशन हमारी है। भाभी जी एक दिन ऐसा करते हैं, हम लोग पार्टी करते हैं। हमने बताया देखो तो आपको कौन आया था वो घर पे, अभी दिमाग खराब रखा है, बोले ये वही है क्या वाले वाले कौन आ गए, वाइफ से बात हुई थी तो कह रही थी पता नहीं कितना समझा लो कितना समझा लो सुनने की, मैंने कहा ऐसी मेरी आवाज तुझे बात हो रही है ना तो बस चुप खड़े रहे, मैं सुन रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ उसमें फर्क नहीं पड़ता है, ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक भूल गई मम्मी, स्टे सेफ बी स्ट्रांग, और मम्मी के भूलने के लिए लाइक, बाकी सब के लिए भी मज़ा तो आया ही आपको, और जाके एड्रेस आर्ट पे देख लीजिए मेकिंग से लेके मूवीज़।